अगर उनको एनकाउंटर नहीं होगा ना तो ये बहन की आत्मा कभी शांत नहीं बैठेंगी, ये तिल बिलाती रहेंगी। अगर बहन को न्याय मिल सकता तो सीधा एनकाउंटर, फांसी नहीं। अभी भाई साहब कह रहे थे एसआईटी, एसआईटी का मतलब क्या है? एसआईटी बहन जी अभी बोल के लिए एसआईटी, एसआईटी होती क्या है? मतलब सामने तथ्य दिख रहा है, प्रूफ दिख रहा है, सामने जिहादी मार रहा है, उसको मतलब हम वो नहीं करेंगे, जिहादी जिहादी सामने मार रहा है फिर भी बोल रहे एसआईटी। बड़े भाई साहब जी मतलब सरकार में बैठे फिर भी बोल रहे हैं। अरे मैं तो कहूँ डूम बनना चाहिए खट्टर सरकार को, क्योंकि योगी बाबा बैठा, योगी जिसने तुरंत विकास दुबे को तुरंत उड़ा दिया, पहुंचा दिया उसे। अगर एक विकास दुबे को तुम्हें मतलब एनकाउंटर कर सकते हो जिसका कोई प्रूफ भी नहीं था, बहन के लिए तो प्रूफ भी है, वीडियो में फुटेज है, मतलब उसका एनकाउंटर नहीं हो सकता। क्योंकि इस एनकाउंटर इसलिए नहीं हो सकता, वो बड़े तथ्य पे बैठा है, उसके बाप दादा उसके चाचा कांग्रेस में हाई लेवल पे बैठे हैं, सरकार में बैठे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक ही थाली का चट्टू बट्टू है। अगर जाग सकते हो हिंदू, जाग सकते हो राजपूत समुदाय, ये राजपूत की बेटी है निकिता, पूरे हिंदू समाज की बेटी है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। अगर मैं आपको मानता हूँ, खट्टर सरकार को मानता हूँ, अगर दम है या तो 7 दिन में फांसी दिला दे या एनकाउंटर करा दे, नहीं तो इस्तीफा दे दे, तुम्हारे बस की सरकार चला नहीं है, डूब मरो। दर्द हुआ है बहन मेरी है, वो मेरी, अगर मेरे सामने हो माँ कसम खा रहा हूँ उसका खून पीजों का सीना चीर के, वो बहन मेरी है। भाई साहब राजनीति रोटी मसे को राजनीति रोटी, अगर आपको शोक सभा महापंचायत में करो, सीधा एनकाउंटर करवाओ, 7 दिन के अंदर एनकाउंटर है फांसी, तब तो बहन को न्याय मिलेगा, नहीं तो बहन के साथ दर्द होता है। कहीं अब सुन लो, दिन बिगड़ रहा है, शंकराचार्य जी महाराज बैठे हैं, उनकी अब मेरे पास फिरते की जरूरत ही नहीं है सामने। ये आवाज एक व्यक्ति की है, ये बच्चे के दिल में ऐसी भावना आग लगी हुई है। हाँ जी बिल्कुल, खुलेआम हमारी बहन बेटियों को रोज जब जिहाद के बहाने से बैठा के फुसला के नाम बदल के मिलते साले ये, और जो लड़की इनकी बात नहीं मानती है, नहीं सुनती है इनकी, उनको ये हाल इतना जैसा हमारी बेटी का हाल करते हैं, और ये अत्याचार दिन बढ़ता जा रहा है। महाराज जी आप संतों के मार्गदर्शन में हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा। पुलिस पुलिस होती है, सरकार होती है, हम खाली पुलिस या सरकार के दम पे अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा सकते। हमारा हिंदू समाज का भी फर्ज है कि अपनी बहन बेटियों के लिए हम खड़े हों। जिस भाषा में ये बात करते हैं, क्या ये भाषा हम नहीं बोल सकते? क्या इसका जवाब नहीं दे सकते? क्या हमारी माताओं ने भगत सिंह राजगुरु संगते पैदा करने बंद कर दिए क्या? आज भी हमारी माताओं के दूध में इतनी जान है, मगर जरूरत है महाराज जी आप जैसे संत महात्मा आ गए हैं, और हम जैसे लाखों लोग अब सबर का प्याला भर चुका है, अत्यंत अंत हो गया है। अभी दिल्ली में एक हिंदू के लड़के ने मुसलमान की लड़की दोस्ती कर ली, उसके पूरे परिवार ने मिलकर दिन दिहाड़े उसका मर्डर कर दिया, चौक में खड़ा हो गया हिंदू लड़के का, क्योंकि वो मुसलमान की लड़की दोस्ती कर रहा था। ये इनकी लड़की के साथ कोई हिंदू दोस्ती कर ले, पूरा परिवार मिल करके चक्कुओं के साथ दिन दिहाड़े मर्डर कर देते हैं। और हमारी बेटी खुलेआम इसलिए मार दी गई कि उसने धर्म नहीं बदला, उसकी बात नहीं मानी, उसे पता लग गया कि साहब बहरूपिया ये मुझे राजपूत बनकर के बहका रहा है, उसको मार दिया गया। ये अन्याय हिंदू जनता, हिंदू समाज, हिंदू नौजवान अब और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हम लोग दिन रात महाराज जी यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के बैनर पे यही काम कर रहे हैं। हिंदू समाज को जागना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, एसआईटी फलाना दिखाना ये सब हमारे आंसू पूंजने की बातें हैं। नूह में क्या हो रहा है, हमारे सैकड़ों गांव हिंदुओं से बहीन हो गए। दुर्भाग्य से आज बीजेपी की सरकार हमारी सरकार है, हमारी हिंदुओं की सरकार होते हुए भी ये अत्याचार हो रहा है, तो कब रुकेगा?
कांग्रेस के शासन में ये हो रहा था और आज भी रुका नहीं है। हमने द्वारे भी वहां से कार में डाली है, उनकी गुंडागर्दी उनकी बदमाशी खुलेआम चल रही है। तो सरकार तो सरकार होती है, सरकार का सिस्टम धीरे धीरे सिस्टम से काम कर रहा है। देश के नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, हमें अपनी बहन बेटी रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर हम नहीं आएंगे, आज एक ने किया है, कल को दूसरी तीसरी चौथी रोज होगी और हो रही है, हो रही है। हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें खाली सरकार के आगे झोली फुला के बैठने से काम चलने वाला नहीं, उठना पड़ेगा हिंदू समाज। और ये सारा हिंदू समाज एक होगा, मैं बढ़िया हूँ, ब्राह्मण हूँ, जाट हूँ, गुजर हूँ, चूड़ा हूँ, चमारू, भूलना पड़ेगा हमारे। पहले हम सारे हिंदू बने, हिंदू हो, इकट्ठे हो, तब ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और हो सकता है आज करोड़ हो जाएगा। संत महाराज हमारे महाराज संत आए आगे मार्गदर्शन करें, जब जब भी धर्म के ऊपर भी आपदा आई है संत समाज ने आगे आकर के मार्गदर्शन किया। राम मंदिर की मूवमेंट इतनी बड़ी चली हमारी, संत समाज मार्गदर्शन कर रहा था, राम मंदिर बन गया। आज जो सबसे बड़ी समस्या है, मेरी बहन बेटी रक्षा सुरक्षा की बात आई है, उसके लिए भी मेरा संत समाज आगे आए, समाज का मार्गदर्शन करे। खाली नौजवान ही नहीं, हमारी बहन बेटियां भी, हमारी माताएं बहने भी इस आंदोलन में आगे बढ़ के आने को, लड़ने को, मरने मारने को तैयार बैठे। सबके अंदर आग लगी हुई है, गुस्सा है, रोष है। और बिल्कुल सही कह रहा है इस भाई ने कि अब कोई एसआईटी होती कुछ नहीं, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसका तो इनकाउंटर हो या उसको फांसी हो, तभी जाकर के कम से कम इस बिटिया को न्याय मिलेगा, अन्यथा लंबा होने से कोई बात बनने वाली नहीं है। राजनीतिक रसूख उनका इतना है, देखो एक हाथरस में भी घटना हुई थी, जितने भी मोमिन थे, मैं मोमिन ही कहता हूं उन नेताओं को, सब हाथरस में जाकर के वहां हल्ला मचा रहे थे। हमारी बहन मारी गई, सरेआम मारी गई, अभी वो उसमें है, गर्त में है कि कौन मारा, किसने मारा। हमारी बहन को वीडियो में दिख रहा है कि मारा गया, और मुख्यमंत्री यहाँ मिलने तक नहीं आए। मुझे ये शर्म की बात है और उनके लिए भी शर्म की बात है, एक भी वोट मुसलमानों का उनको नहीं मिला। तय है कि भाजपा को हराने के लिए जो भी व्यक्ति होता है मुसलमान उसको वोट करता है। कम से कम भाजपा के लोगों को हिंदू समाज के लिए खड़े होना चाहिए। और आकर के कम से कम नूह हूं, और विवाद जब मैं सुनता हूं कि हमारे तमाम भाइयों के घर खाली कर दिए गए, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई है, मेरा खून खौल जाता है। लेकिन अब समय है, ये छोटे छोटे झंडे के नीचे रहने वाले लोग, अलग अलग संप्रदायों में बटा हुआ हिंदू समाज अब एक हो रहा है, और जब तक आप एक नहीं होंगे पूरी दुनिया में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है हिंदू समाज का। अब देखिए एक छोटी सी घटना हुई है, कार्टून की क्या चल रहा है, गर्दन तो सरकार होती है, सरकार का सिस्टम धीरे धीरे सिस्टम से काम कर रहा है। देश के नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, हमें अपनी बहन बेटी रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर हम नहीं आएंगे, आज एक ने किया है, कल को दूसरी तीसरी चौथी रोज होगी और हो रही है, हो रही है। हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें खाली सरकार के आगे झोली फुला के बैठने से काम चलने वाला नहीं, उठना पड़ेगा हिंदू समाज। और ये सारा हिंदू समाज एक होगा, मैं बढ़िया हूँ, ब्राह्मण हूँ, जाट हूँ, गुजर हूँ, चूड़ा हूँ, चमारू, भूलना पड़ेगा हमारे। पहले हम सारे हिंदू बने, हिंदू हो, इकट्ठे हो, तब ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और हो सकता है आज हो जाएगा। संत महाराज हमारे महाराज संत आए आगे मार्गदर्शन करें, जब जब भी धर्म के ऊपर भी आपदा आई है संत समाज ने आगे आकर के मार्गदर्शन किया। राम मंदिर की मूवमेंट इतनी बड़ी चली हमारी, संत समाज मार्गदर्शन कर रहा था, राम मंदिर बन गया। आज जो सबसे बड़ी समस्या है, मेरी बहन बेटी रक्षा सुरक्षा की बात आई है, उसके लिए भी मेरा संत समाज आगे आए, समाज का मार्गदर्शन करे। खाली नौजवान ही नहीं, हमारी बहन बेटियां भी, हमारी माताएं बहने भी इस आंदोलन में आगे बढ़ के आने को, लड़ने को, मरने मारने को तैयार बैठे। सबके अंदर आग लगी हुई है, गुस्सा है, रोष है। और बिल्कुल सही कह रहा है इस भाई ने कि अब कोई एसआईटी होती कुछ नहीं, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसका तो इनकाउंटर हो या उसको फांसी हो, तभी जाकर के कम से कम इस बिटिया को न्याय मिलेगा, अन्यथा लंबा होने से कोई बात बनने वाली नहीं है। राजनीतिक रसूख उनका इतना है, देखो एक हाथरस में भी घटना हुई थी, जितने भी मोमिन थे, मैं मोमिन ही कहता हूं उन नेताओं को, सब हाथरस में जाकर के वहां हल्ला मचा रहे थे। हमारी बहन मारी गई, सरेआम मारी गई, अभी वो उसमें है,
दर्द में है कि कौन मारा किसने मारा। हमारी बहन को वीडियो में दिख रहा है कि मारा जब मारा गया, और मुख्यमंत्री यहाँ मिलने तक नहीं आए। मुझे ये शर्म की बात है और उनके लिए भी शर्म की बात है।